नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। महाकाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव पांडे। बात करते हैं न्यू मुंबई की। आज शिवसेना एवं युवा सेना ने उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक विभाग एरोली विधानसभा के तहत सेक्टर 19 डी युवासी न्यू मुंबई में अपना जनसंपर्क कार्यालय खोला। कार्यालय विभाग प्रमुख राजेश पांडे और कार्यालय उप विभाग विनोद पांडे के द्वारा कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन जिलाध्यक्ष एवं एरोली विधानसभा अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यालय के प्रमुख पदाधिकारी हेमंत शर्मा, जिला प्रमुख महेश खैरनार, उप शहर प्रमुख बेलापुर विधानसभा एवं जलगांव संपर्क प्रभारी हेमंत जायसवाल, उप जिला प्रमुख शिव प्रकाश पाल, उप जिला प्रमुख रमेश सजमर, उप शहर प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, विभाग अध्यक्ष कार्यालय में पदाधिकारी सदस्य एवं कार्यकर्ताओं को संदीप शर्मा और महेश खैरनार का भी सभी पदाधिकारियों को शिवसेना के बारे में जानकारी दें। शिवसेना का कैसे जन्म हुआ, बाला साहब कौन है, बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर शिवसेना का स्थापना किया था, और महेश खैरनार ने बताया बाला साहब ठाकरे ने जिसे अपना आशीर्वाद दिया वह मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, संसद विधायक बने। शिवसेना आज महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत में जानी जाती है। आइए देखते हैं न्यू मुंबई से संवाददाता अजय पांडे के साथ कैमरामैन दीपक पांडे की एक खास रिपोर्ट। हमारे बीच महेश खैरनार उप महाशाखापुर विधानसभा न्यू मुंबई जनसंपर्क जलगांव। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी टीम अभी जो जल आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, क्या ये आपके यहाँ भी पहुंची थी? हाँ जी, यही जल आशीर्वाद यात्रा आदरणीय युवा सेना नेता और युवा सेना प्रमुख हमारे आदरणीय अतिथि के साथ में जन संपर्क अभियान जन आशीर्वाद यात्रा 18 अगस्त से चालू किया। उत्तर महाराष्ट्र से जलगांव से प्रारंभ हुई 18 अगस्त को प्रारंभ हुई, आज से पूरा महाराष्ट्र में होने के बाद परसों अपना 18 तारीख को बेलापुर असेंबली बेलापुर विधानसभा और ऐरोली विधानसभा दोनों में प्रारंभ करके कल्याण के लिए। अच्छा अच्छा, हिंदी भाषिक दिन है, हिंदी पकड़ा बच्चों को पास रखते हैं आज ना अभी क्या कीजिएगा यहाँ पे क्या उसमें और जय महाराज। हिंदू भी सुना जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने चार मामा लेके शिव शंकर भगवान का प्रार्थना करके उंगली काट के स्वराज्य बनाने का शपथ लिया। वो टाइम चार थे, आप तो सो गए अभी। ये महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने चार मामला लेके स्वराज हिंदू स्वराज्य संस्थापक बने और राजा बने, और राजा के ये जो राजा का ये शपथ लेने के लिए स्वराज्य स्थापन करने के लिए रंगा भट्ट जी आए थे उत्तर प्रदेश से। तो वो टाइम शिवाजी महाराज ने उत्तर प्रदेश को इतना महत्व दिया है। गंगा भट्ट जी आए, गंगा भट्ट जी ने पूजा किया, देवी शिवाजी महाराज राज्य शासन में बैठे। तो वो टाइम से बाद में आपने आज वही अवसर पर आप लोग आए हैं, तो आप सब हमारे लिए गंगा भट्ट जी है। ऐसा बहुत पावन हुए, अच्छे लोग हैं, और यहाँ के आज विभाग का शाखा खुला है। ये शाखा तो मैं महाराज का आशीर्वाद से, बाला साहब के आशीर्वाद से, उद्धव जी का आशीर्वाद से, यहाँ के हमारे विजय जी नाटा, शर्मा जी, हेमंत जी सबका आशीर्वाद से ये शाखा अगला साल में बहुत बड़ी शाखा बन जाएगी। ये शाखा अपना ये आने वाला जो भी आमदार हो या शिवसेना बीजेपी का हो, पद तो हमारे पक्ष प्रमुख डिसाइड करेंगे। आज का डेट में हमारा धनुष चौहानी निशानी है, धनुष चौहानी उम्मीदवार है, जब पक्ष प्रमुख डिसाइड करेंगे उनके नीचे हमको काम करना है, चाहे कोई भी हो,
बाला साहब ने जो आदमी को सिंदूर लगाया वो भगवान बन गया। उदाहरण देता हूँ, गुलाबराव पाटिल पान का टपरी जलाते थे, वो आज मिनिस्टर है। नारायण राणे जी यहाँ पे चंबूर में सिनेमा टिकट में पिक्चर का टिकट बेचते थे ब्लैक में, मुर्गी छोड़ते थे। ओ महाराष्ट्र के दूध विकास मंत्री बने, बाद में महसूल मंत्री बने, उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। क्यों? ये बाला साहब ने एक पत्थर को भगवान सिंदूर लगा दिया, वो भगवान बना दिया। ये बाला साहब का चार अक्षर का जादू है। शिवसेना के नाम से आज महाराष्ट्र में लाखों लोग पेट भर, चाहे उनके पास डिग्री नहीं, कुछ संस्था नहीं, खाली नाम है शिवसेना। कौन चले भाई, कौन चले? शिवसेना का वीर चले। तो शिवसेना का शाखा संगठक से आपको मैं बताता हूँ, शाखा प्रमुख सबसे बड़ा पोस्ट है। मैं आज संपर्क प्रमुख हूँ, यहाँ का नई मुंबई का उपसर प्रमुख मेरे से बड़ा शाखा प्रमुख ही पोस्ट है। ये शाखा जो बनाए जाते हैं, ये पुलिस स्टेशन ग्राम पंचायत शिवसेना का एक पुलिस स्टेशन, शिवसेना का एक फौजदार, हिंदी में क्या बोला जाता है, सिपाही, फौजदार को क्या बोला जाता है, फौजदार कैसा है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।